अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 2 फरार। कार, बाइक और कई नंबर प्लेट बरामद। बताते चले कि सदर थाना की रात्रि गश्ती दल ने जांच के क्रम में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग फरार हो गए। गिरफ्तार सदस्यों में लोसिंगना थाना क्षेत्र के शिवपुरी निवासी राहुल सिंह पिता संतोष सिंह, न्यू एरिया निवासी रोहित कुमार राणा पिता प्रदीप राणा और बरकट्ठा थाना क्षेत्र के गया पहाड़ी निवासी छविनाथ प्रसाद पिता राम प्रसाद शामिल हैं, जबकि फरार लोगों में रामगढ़ नया मोड़ निवासी मोहम्मद नकाश पिता नामालूम और विष्णुगढ़ निवासी शनि पिता नामालूम शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि रांची की ओर जा रहे अल्टो कार को संदेह होने पर रोका गया। इसी क्रम में कार में बैठे 5 लोगों ने भागने का प्रयास किया, जिसमें 3 को पकड़ लिया गया। साथ ही कार संख्या JH018D2721 को जब्त किया गया। इनकी निशानदेही पर सिंघानी स्थित किराए के मकान से चोरी की होंडा शाइन, जिसका जाली रजिस्ट्रेशन संख्या JH09AA5260 लगा हुआ पाया गया। साथ ही साथ सदर थाना क्षेत्र के बुढ़वा महादेव से पूर्व में चोरी की गई बोलेरो का नंबर प्लेट, जिस पर रजिस्ट्रेशन संख्या JH09M6310 अंकित बरामद किया गया। इसके अलावा इनके पास से कई नंबर प्लेट्स और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। हजारीबाग से सोनू केशी की रिपोर्ट। क्या कुछ को लेकर कितने की गिरफ्तारी, कौन से मामले में? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सदर थाना में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें से 3 चोर को गिरफ्तार किया, जो कि एक ऑल्टो से 3 लोग पकड़ाए हैं और 2 लोग भागने में कामयाब हुए। टोटल 5 लोग सवार होकर जा रहे थे। गश्ती दल के द्वारा इनको पीछा करते हुए पकड़ा गया है और पीटीसी चौक से गश्ती दल ने पकड़ा है भागते हुए, जिसमें से 3 लोग पकड़ाए हैं। 3 लोगों के नाम में पहला नाम है राहुल का, दूसरा है रवि और तीसरा है छवि, और 2 लोग हैं जिसमें से पहला है मोहम्मद नकाश और दूसरा शनि। जैसा कि लोगों ने बताया है, वो लोग दोनों भागने में कामयाब हुए। इन लोगों के पहले भी एक केस दर्ज था सदर थाना में 429-20, जिसमें एक बोलेरो की चोरी हुई थी, जिसने भी लोगों की संलिप्तता की और बोलेरो को बरामद कर लिया गया। क्या बच्चे मैं अभी सदर थाना पदस्थापित हूँ, पुआली बस वाले के लिए।